आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक अमित सिंह और नगर निगम आयुक्त आशीष कुमार व अपर कलेक्टर हर्ष दीक्षित उपस्थित रहे। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के चलते कलेक्टर भरत यादव ने आज सोमवार को सेना, रेलवे एवं सुरक्षा संस्थानों के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़ने पर स्थिति से निपटने की तैयारियों, रणनीति और उपलब्ध सुविधाओं व संसाधनों की समीक्षा की गई। कलेक्टर भरत यादव ने कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जिले में किए जा रहे प्रयासों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने सेना, रेलवे और अन्य केंद्रीय संस्थानों के अस्पतालों में भी सभी जरूरी इंतजाम सुनिश्चित कराने की आवश्यकता बताई। तरीके से उनका इलाज किया और वो लोग भी सकारात्मक गए, लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा, क्योंकि मानसिक रूप से भी लड़ाई होती है। सिर्फ बीमारी में सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी लड़ाई होती है, तो लोगों का सहयोग मिलना चाहिए, लोगों का सपोर्ट मिलना चाहिए। बाकी जो कड़ाई वाली बात है या ढिलाई वाली बात है, तो देखिए प्रोटोकॉल ये है कि किसी, अच्छी बात है हमारे यहाँ नए पॉजिटिव केस नहीं आ रहे हैं, कल भी नहीं आए, लेकिन हम रिलैक्स बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। किसी भी शहर के लिए, जिले के लिए अगर 28 दिन तक लगातार पॉजिटिव केस नहीं आता है, तब माना जाता है कि वो काफी हद तक कंट्रोल में है। अभी हमारे यहाँ 27 को लास्ट केस आया था, 27 मार्च को, तो अभी 10 दिन हुए, तो बहुत अभी लंबी यात्रा है। और शहरों की जो स्थिति है वो भी आप सबको अवगत है, भोपाल की हो, इंदौर की हो, उज्जैन की हो, तो बिल्कुल भी हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। और हम लोग तो आज बैठक करेंगे दिन में, और सारे जिले की स्थिति अच्छी है, और ना केवल कोरोना के मामले में बल्कि वस्तुओं के मामले में भी। अन्य शहरों में राशन की चीजें मिल नहीं पा रही है, अन्य शहरों में सब्जी मिल नहीं पा रही है, अन्य शहरों में दूध नहीं मिल पा रहा, हमारे यहाँ सब कुछ मिल रहा है। और हम लोगों ने बहुत ज्यादा बंदिशें अभी तक नहीं बढ़ाई हैं, लेकिन उसका गलत फायदा कृपया करके ना उठाएं। बहुत सारे लोग गलत फायदा ले रहे हैं, फिर ऐसी स्थिति होगी कि वो हिल भी नहीं पाएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब यही करने की जरूरत है। तो आपके माध्यम से आग्रह है कि इस सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को और इस चीज को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लें, नहीं तो कार्रवाई अब बहुत ज्यादा सख्ती करने की हम लोगों ने प्लानिंग कर ली। धार्मिक FIR होगी, कोई बिना जो है धार्मिक स्थलों पर किसी को रुका लिया, कोई बाहर से आ गया या सूचना नहीं दी, सीधा सीधा FIR होगी। इसी तरह से कोई जो है बाहर से आया है, चुपचाप घर आके सो गया है, घर पे रुका हुआ है, सूचित नहीं किया है, हेल्थ चेकअप नहीं कराया है, 14 दिन क्वारंटीन में रहना है, उसका पालन नहीं कर रहा है, उस पर FIR होगी। तो मेरा आग्रह है कि सारे नियमों का पालन करें, कब क्या स्थिति बन जाए, शक्ति बढ़ाए, बढ़ जाए, और शक्ति अब हम बढ़ा ही रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने आग्रह किया था टू व्हीलर लेके लोग ना निकले, फोर व्हीलर लेके लोग ना निकले, सारी दुकानें खुली हुई हैं, क्यों लोग लेके निकल रहे हैं? मेडिकल इमरजेंसी के अलावा किसी को नहीं निकलना चाहिए, या जिनको अलाउ है जो होम डिलीवरी में लगे हुए हैं, या मीडिया के साथ में, या जो शासकीय अमला, पुलिस का अमला है, अस्पताल का अमला है, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनके अलावा नगर निगम का अमला है, उनके अलावा किसी को नहीं निकलना चाहिए, लेकिन लोग निकल रहे हैं। अब हम बहुत सख्ती करने वाले हैं और वो सख्ती आपको आगामी समय में दिखेगी। मानसिक रूप से इसके लिए तैयार रहिए, रिलैक्सेशन वाली कोई बात नहीं है। सबसे आग्रह है कि इन चीजों में सहयोग करें, जिम्मेदार नागरिक बने, क्योंकि अब सिर्फ विदेश यात्रा वाली बात नहीं बची है, अब तो ये कहीं से भी जो है अन्य जगह कम्युनिटी में स्प्रेड हो गया है, तो कहीं से भी जो है पॉजिटिव केस आ सकता है। मेन ये है कि हम जिम्मेदार बने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, नियमों का पालन करें, जैसे अभी सब लोग एक होके काम कर रहे हैं, सामाजिक संस्थाएं, मीडिया, जनप्रतिनिधि, सारे लोग, प्रबुद्ध लोग एक होके काम कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग मनवा रहे हैं, वो लगातार हमें करना पड़ेगा, उसकी आदत डालनी पड़ेगी। और जो शक्ति आगे बढ़ने वाली है उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाइए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज का स्टोरेज शुरू कर दो, किसी चीज को जमा करना शुरू कर दो, वो हमारी चिंता है कि सब चीजें सबके पास पहुंचे, लेकिन शक्ति हमें बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि कुछ लोग मान नहीं रहे हैं, कुछ लोग इस चीज को समझ नहीं रहे हैं, तो उनको कैसे समझाना है वो हमें पता है, और अब हम शक्ति बढ़ाने वाले हैं।